जंगली रमी एप्लीकेशन में फुल केवाईसी कैसे करते हैं, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी जंगली रमी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जा रहे हो लेकिन जब आपसे केवाईसी करने के लिए बोल रहा है तो आपसे केवाईसी करते नहीं बन रहा है, या आप किसी रीजन से केवाईसी नहीं कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज की इस वीडियो पर आपको पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको जंगली रमी एप्लीकेशन में फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करो गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जंगली रमी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप जंगली रमी एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा एंड आपको इधर पर कुछ ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो जंगली रमी एप्लीकेशन में अगर आप पैसे को ऐड करने के लिए जाओगे तो पहले आपसे केवाईसी करने के लिए बोलेगा, या फिर पहले क्या होता था, पैसे तो ऐड हो जाते थे लेकिन विड्रॉ करने के लिए जाते थे तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोलता था। तो कई लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे फंस चुके हैं एंड उनकी केवाईसी नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताऊँगा आपको केवाईसी कैसे करना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ, तो आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इधर पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ना कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड इधर पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऐड कैश का ऑप्शन, तो आपको सिंपल सा ऐड कैश वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप ऐड कैश वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा और लिख रहेगा कंप्लीट केवाईसी, तो आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा एंड इधर पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, इधर पर आपको वेरीफाई लिखा देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इधर पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा केवाईसी डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको अपने आधार कार्ड का नंबर को इधर पर इंटर कर देना है। तो चलो हम अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर कर देते हैं। तो जैसे आप अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की लोडिंग्स वगैरह होने वाली है। उसके बाद इधर पर आपको इंटर आधार कार्ड नंबर फिर से डालने के लिए बोलेगा, तो आपको अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर कर देना है और जो इधर पर आपको कैप्चर कोड देखने के लिए मिल रहा है नीचे की तरफ, उस कैप्चर कोड को आपको इधर पर डाल देना, पूरा का पूरा देख के आपको इधर पर इंटर कर देना है। तो चलो हम पूरी की पूरी डिटेल को इंटर कर देते हैं। पूरी की पूरी डिटेल एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट वाला, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस वाले नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस नंबर का ओटीपी आपको इधर पर एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और 6 अंकों का पिन बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको एक पिन को क्रिएट कर लेना है। पिन बनाने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और आपको अलाव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाव वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग्स होने लगेगी एंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो आधार कार्ड हैज़ बीन अप्रूव्ड हो चुका है एंड आपकी जो सक्सेसफुल है आधार कार्ड जा चुका है एंड आपकी जो केवाईसी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। एंड ऐड कैश करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आप इधर से आप पैसे भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप जंगली रमी एप्लीकेशन में अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।